दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तत्कालिक समय में विभिन्न स्थानों पर कई तरह के होटल खोले जा रहे हैं। बड़े बड़े लॉन्च में विवाह, रिसेप्शन, जन्म दिवस आदि को मनाया जाने लगा है। पार्टी मनाने वाले स्थानों पर देखा जाता है कि खाना खाने के लिए सिल्वर पेपर से बनी थाली का प्रयोग किया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सिल्वर पेपर बनाने का व्यापार कैसे स्थापित करें से जुड़ी सारी संबंधित जानकारी लेकर आई हूँ। सिल्वर पेपर व्यापार बनाने के लिए कच्चा माल। कच्चे माल में ब्राउन पेपर जिसकी कीमत है 1000 रुपए, सिल्वर पेपर की कीमत जो 38 रुपए प्रति किलोग्राम एवं चिपकाने के लिए गम का प्रयोग जो आपको 200 प्रति लीटर में मिल जाएगा। कच्चा माल आप ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सिल्वर पेपर मशीन। इस व्यापार के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन पूर्ण रूप से स्वचालित है। कहाँ से खरीदे? ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सिल्वर पेपर मशीन की कीमत। आपको इस मशीन को लगाने के लिए लगभग 1.25 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। इस मशीन की सहायता से 10 घंटे कार्य करने करीबन 1500 किलोग्राम तक सिल्वर पेपर बनाया जा सकता है। सिल्वर पेपर मेकिंग व्यापार से लाभ। इस व्यापार में 1 किलोग्राम सिल्वर प्लेट पेपर पर कम से कम 2 से 3 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। अतः यदि प्रतिदिन 10 घंटे का कार्य करके 1500 किलोग्राम उत्पादन किया जाता है तो प्रतिदिन लगभग 4000 रुपए का मुनाफा होना सुनिश्चित हो जाता है। यदि महीने के सभी अन्य खर्चे निकाल दिए जाएं, तो प्रति महीने लगभग 60000 रुपए तक का मुनाफा प्राप्त कर लेना संभव है। सिल्वर पेपर बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले ब्राउन पेपर रोल को इस मशीन में ऐसे लगाया जाता है कि पेपर कहीं से मुड़ अथवा फट ना जाए। इस मशीन के ऊपर से सिल्वर फॉइल का रोल जुड़ा हुआ होता है। इस फॉइल को भी मशीन की उसी हिस्से में लगाया जाता है जहां पर ब्राउन पेपर का रोल लगा होता है। दोनों पेपर कुछ इस तरह से लगे हुए होते हैं कि बाहर निकलने के बाद एक दूसरे से पूरी तरह से चिपके हुए हों। इसके उपरांत मशीन के इस हिस्से में जहां पर दोनों पेपर आपस में मिलते हैं वहां पानी मिश्रित गोंद डाल ली जाती है ताकि ये दोनों पेपर एक दूसरे से चिपक सके। मशीन के चलाने के साथ ही एक तरफ से सिल्वर पेपर और दूसरी तरफ से ब्राउन पेपर आकर चिपकने लगता है और प्लेट के लिए आवश्यक पेपर का निर्माण होने लगता है। इसके बाद इस बने हुए पेपर का प्रयोग आप विभिन्न पनावली बनाने के लिए कर सकते हैं। पेपर व्यापार के लिए आवश्यक स्थान। इस व्यापार के लिए मध्यम आकार की मशीन को लगाना होता है जिसे 100 से 150 स्क्वायर फीट स्थान की आवश्यकता पड़ेगी ताकि मशीन को बिना किसी अवरोध के चलाया जा सके। हालांकि इसमें प्रयोग होने वाले सिल्वर पेपर और ब्राउन पेपर को रखने के लिए तथा बनने के बाद प्रोडक्ट को रखने के लिए भी जगह की आवश्यकता होती है। अतः आपके पास अगर 250 वर्ग फीट का स्थान उपलब्ध है तो इस व्यापार को आरंभ करने के लिए वो बेहतर होगा। व्यापार की जगह का चुनाव वहाँ गाड़ियों के आयात निर्यात में सुविधा को देखते हुए करें। सिल्वर पेपर पैकेजिंग कैसे करें? आपको पैकेजिंग की आवश्यकता केवल अपने प्रोडक्ट के संरक्षण के लिए पड़ती है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग किसी भी तरह से इसकी पैकेजिंग के ऊपर निर्भर करती है। इसकी पैकेजिंग में साधारण पॉलिथीन का भी इस्तेमाल हो सकता है। इन पैकेज में आप चाहे तो आपसे जुड़ने की जानकारियां देकर भी प्रचार कर सकते हैं। सिल्वर पेपर मार्केटिंग कैसे करें? इस वस्तु की मार्केटिंग पूरी तरह से उस बाजार पर निर्भर करती है जहां से लोग शादी विवाह आदि समारोह के लिए किए जाने वाले भोज के लिए चीजें खरीदते हैं। आप इन बाजारों में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहे तो अपना ये प्रोडक्ट होलसेल के तौर पर भी बेच सकते हैं। सिल्वर पेपर बनाने के लिए लाइसेंस। लाइसेंस की आवश्यकता तो इस व्यापार में पड़ती है ताकि आपके प्रोडक्ट के लिए लोगों की विश्वसनीयता बनी रहे।
आप चाहें तो अपने व्यापार स्थान का पंजीकरण भारत सरकार के MSME के जरिए भी आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो के बारे में, आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। We'll be right back.